लास्ट मैंने देखो हमने जो शेयरिंग किया था उसके ऊपर से मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि पहले ही अपना उसमें दो और तीन में हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होंगे तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसके क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसे वो है। तीन इस तरह से निकाल, जो कोई उस पर यह आशा या विश्वास रखता है वो अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है जैसे कि वो पवित्र है। हम लास्ट में मैंने जो को बहुत ही अच्छा एनकरेजिंग वचन था ये कि ये वचन में योना कुछ बातों को लिख रहा है कि जब तुम ये आशा रखते हो, विश्वास रखते हो कि हम जब यीशु मसीह आएगा हम उसके जैसा बन जाएंगे, वो व्यक्ति अपने आप को शुद्ध करते रहता है, सारे पापों को डिस्क्रेस देगा बट अपने आप को शुद्ध करेगा। लॉर्ड मुझे सारे पापों को एवरी डे हर एक दिन आपको अपने आप को शुद्ध करना है। और ये आई बिलीव ये सभी लोग नहीं करते रहेंगे, क्योंकि कुछ लोग विश्वास भी नहीं करते रहेंगे कि इस वचन पर कि वचन में लिखा है कि जो आशा रखता है, और इंग्लिश में लिखे पढ़ेगा उनको बिलीव लिखा है मतलब विश्वास रखता है वो अपने आप को शुद्ध करते रहेंगे। और उसका कारण क्या है कि जब यीशु मसीह आएगा उन्हीं लोग यीशु मसीह जैसे बनेंगे जो अपने आप को शुद्ध करते हुए लाइफ जी रहे। बहुत ही अंग्रेजिंग लगा मिले वही पहले अमरना उसका चैप्टर 1:9 में, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के विश्वास योग्य और धर्मी है। मैं यहाँ पर देख रहे थे कि हम जो रीड करते थे बट मैं सोच रहे थे कि विश्वास योग्य का मतलब क्या हो सकता है। देखो अगर हमने कोई एक सबसे बुरा पाप किया, हम जाके किसी इंसान के साथ हम बताएंगे तो वो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं खुद का बता रहा हूँ, कुछ पाप मैंने ऐसा किया था जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मैंने उसको शेयर किया था और वो भाई साहब ने क्या किया वो सभी को बता दिया, तो सब मुझे अरे एक नीचे नज़र से देखने लगती है ये ऐसा व्यक्ति है अपने आप को दिखा रहा बहुत अच्छा है। तो तभी से मेरे को मालूम पड़ा कि हम किसी को हम अपना सीक्रेट सिर्फ इसलिए या वचन लेकर विश्वास योग्य हम विश्वास कर सकते यीशु मसीह पे कि वो किसी को बताएगा नहीं और साथों साथ हमको माफ़ करेगा। और बोले कि तेरे और उसने बहुत अच्छे से वचन लिखा है, वापस एक पढ़ना चाहता हूँ, यदि अपने आप अपने पापों को मान ले यहाँ पर आप मतलब कन्फेस कर, लॉर्ड मुझे माफ़ कर मैंने ये पाप किया है प्लीज मुझे क्षमा कर, तो वो हमारे पापों को क्षमा कर देंगे, हम सब अधर्म को शुद्ध करने के विश्वास योग्य और धर्मी है। सब जितने भी अपने हमको लगता है हमने पाप किया है वो विश्वास योग्य है, हम विश्वास कर सकते हैं परमेश्वर पे कि हमारा सारा पाप धो सकता है। हाँ लेकिन लोग जब हम जैसे मैंने बताया वो लोग क्षमा नहीं करेंगे यार, ये तो बहुत बड़ा गुनहगार, हमने कभी ऐसा पाप नहीं किया इतना बड़ा पाप किया, बट लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं, परमेश्वर हमको माफ़ करेगा और हमको शुद्ध करेगा और उसके जैसा बनने के लिए हमको मदद करेगा। और दूसरा बात और एक चीज़ मुझे मेरे दिल में बढ़ रही है कि सिर्फ हम अपने आप को शुद्ध करना है काफ़ी नहीं है, एक बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने आप को पवित्र आत्मा से बनना। हम बिना पवित्र आत्मा के हम नहीं कर सकते, हम कितना कमज़ोर भी देखता हूँ कितने बार हम कमज़ोर हो जाते हैं, कभी कभी बैड मूड के अंदर चले जाते हैं, कभी कभी डिस्करेज हो जाते हैं, बट लेकिन मैं सच कहता हूँ कि जब पवित्र आत्मा से भरा रहेगा तो तुम हर चीज़ से ओवरकम हो जाए। मेरा इधर एक ग्रेट लॉन्गिंग है मेरे अंदर जब मैं मसीह के घर आया था कि मैं सिर्फ अपने आप को मैं परमेश्वर को ओपन नहीं होता लॉर्ड पे कब तक ऐसा मैं अपने आप को शुद्ध करते रहेगा, बट एक दिन मुझे ऐसा वैसा चाहिए मुझे लाइफ और कि मैं ओवरकम हो जाऊँ हर एक पाप से, चाहे लस्टिंग विद आइज या एंगर से, हर एक पाप से। और मैं सच कहता हूँ कि मैं बहुत ट्राई किया मैं हार गया। और मैं सच कहता हूँ कि परमेश्वर अगर आज सच कहता हूँ जो भी यहाँ पर बैठा है वो अगर अभी भी पाप में गिर रहा है तो परमेश्वर को सिखा रहे हैं, ये सिखा रहे कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। फिर हम कितना आसान है बोलने के लिए कि परमेश्वर में तेरे बिना कुछ नहीं कर सकता, मैं भी बोला है कितने बने, बट मैं सच्ची में एक्चुअली मैं
दिल में सोचते कि मैं कर सकता हूँ यार, एक अंदर एक 100% कन्विंस हो जाएगा हमारे अंदर, मिस्टेक आ जाएगा कि परमेश्वर ने सच्ची में तेरे बिना नहीं कर सकता। क्यों बताया क्या हम कितने वक्त गिर जाते पाप में, यही रीज़न है कि हम परमेश्वर पे हम सोचते कि हम खुद कर लेंगे, क्योंकि परमेश्वर का हम सपोर्ट नहीं लेते। परमेश्वर के बिना तुम नहीं कर सकते, मैं सच कहता हूँ। और अभी भी तुम पाप में गिरते रहोगे और गिरते रहोगे आने वाले साल में भी, जब तक हम परमेश्वर पे उसका सहारा नहीं लेंगे, पवित्र आत्मा से भरेंगे नहीं, तब तक हम गिरते रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, जब मैंने देखा, एक मैं ऑफिस में था, बैठा था, परमेश्वर मैं अभी मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं नहीं कर सकता, मैं पाप से विजय नहीं पा सकता। और मैंने देखा कि परमेश्वर ने बोला अब तू कर सकता है, क्योंकि मेरा सपोर्ट है, मैं हेल्प करूँगा। परमेश्वर उस एक लोअर लेवल पे लेके आना चाहता है। हमारे इतना सारा प्राइड है कि हम परमेश्वर के सहारा लेने नहीं चाहते, हम बोझ करके बात में, अरे मैंने विजय पाया, मैंने पाप से विजय पाया, मैंने ये किया, मैंने इतना अच्छा प्रचार किया। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि वो ओवरकम हो जाएगा, वो पाप भी गिर जाएगा गमन के पास में। परमेश्वर चाहता है कि वो दीप लेवल पर लेके आए, नम्रता के लेवल पर लेके, परमेश्वर सच में जाने हो, दिमाग से नहीं पूरे दिल से, लॉर्ड मैं सच्ची में नहीं कर सकता तेरे बिना, तब मैं सच कहता हूँ परमेश्वर हमको विजय जीवन देगा। ये प्रैक्टिस करके देखो, मैं बोलता हूँ।